हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज आपके लिए एक नई चीज़ लेके आया हूँ, जो है वीवो के मॉडल के ऊपर। जो वीवो की FRPO है ना, काम कर दिया है वीवो वालों ने, बताना चाहता हूँ। तो पहले मैं आपको इसकी FRP चेक करवा देता हूँ यहाँ से। ये देखो पैटर्न मांग रहा है ना यहाँ पे पिन, यहाँ से भी चेक करवा देता हूँ आपको। ये लेटेस्ट क्वालिटी के फ़ोन आ रहे हैं ना वीवो, उनको पैच करते जा रहा है। देखो जिस डिवाइस वाज रिसेट, ठीक है, ये इसको कैसे करना है फास्ट बूट टू EDL वो बताऊंगा, ठीक है आपको। तो वीडियो में पूरा बने रहना। पहले आपको क्या करना है कि फ़ोन को ना स्विच ऑफ कर लेना है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको पावर ऑफ कर देता हूँ, इसको सॉरी एमरजेंसी इसको कट कर देता हूँ। इसमें सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी ना कि अगर आपका फ़ोन गारंटी वारंटी में भी होगा ना तो वो आउट नहीं होगा, ठीक है। अब फास्ट बूट EDL कर लेते हैं, कर सकते हैं इसको। जैसे पहले पे करना पड़ता था ना, जो जिस बंदा करता था बस वाली उसी वही कर पाता था इसको, ठीक है, जिसका हो चलिया आता था। इसमें डाल दिया मैंने, मैं डाटा केबल को यहाँ से इंसर्ट कर देता हूँ। लग गया डाटा केबल, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अभी यहाँ से मैंने टूल को ओपन कर किया। अभी मैं चलता हूँ अपनी वीवो की टैब के अंदर। वीवो में गए, फिर आपने आपको मॉडल देख लेना, ठीक है। मैंने ना मॉडल अपना पहले चेक दिखा देता हूँ, ये वाला मॉडल है मेरा, आप अपना चेक कर लेना जो भी आपका मॉडल होगा, ठीक है। अगर इसके सिवा एक वीडियो चाहिए होगी ना कि वीवो के मॉडल कैसे चेक होते हैं, मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल पहले हम इसको फ़ोन को करते हैं, ठीक है। उसकी वीडियो मैं बाद में डाल दूंगा कि वीवो के जो मॉडल है नए आ रहे हैं या पुराने आ रहे हैं, इसका मॉडल कैसे चेक कर सकते हैं आप, ठीक है जी। तो PD ये वाला मॉडल है, ठीक है, ये वाला PD ये वाला मॉडल है इसका। अभी मैं चलता हूँ अनलॉक टूल के अंदर। अभी मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, ये रहा जी ये वाला मॉडल है, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपना फंक्शन के अंदर। फंक्शन में जाके हम इसको कर लेते हैं फोर्स टू EDL यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। यहाँ पे मैंने क्लिक किया फोर्स EDL, ये खुल गया। अभी यहाँ ध्यान रखना, अभी ये कर रहा है, ठीक है जी, इसको फोर्स करके EDL में डाल रहा है। ये देखो स्विच ऑफ होगी ना, स्क्रीन बंद होगी इसकी। ये देखो क्वालकॉम के ड्राइवर इसने ले लिया ऑटोमेटिक, ठीक है जी। अभी ड्राइवर जब हमारे आ गए तो जो हमने काम करना है इसका, अपन को इसकी FRP निकालनी है, ठीक है जी। अभी मैं कर देता हूँ रीसेट FRP के ऊपर क्लिक। ये देखो काम ख़त्म, ठीक है जी, निकल चुकी है हमारी FRP की। अगर वीवो का कोई भी मॉडल रिगार्डिंग मॉडल चेक रिगार्डिंग वीडियो होगा ना तो मैं वो भी डालूंगा। हालांकि ये मेरे पास सेट, मैं वीडियो तो पहले बनाना था तो मेरे पास सेट नहीं आया था, तो अभी सेट आया था, मैंने सोचा कि मैं वीडियो भी मैं बना देता हूँ इसी के ऊपर, ठीक है जी। ये देख लिया हमारा सेट ऑन हो रहा है, अभी जस्ट वेट कर लेते हैं हम एक आधा मिनट का। मैं आपको FRP चेक करवा देता हूँ कि ये निकल चुकी है या नहीं निकली। ऑन हो चुका है जी,
भी हम मैं नेक्स्ट कर देता हूँ यहाँ से, फिर नेक्स्ट यहाँ से एग्री, यू डोंट कॉपी, ये देखो जी निकल जो आ गया ना यहाँ पे ऑप्शन स्किप का, ये हमारी पार भी निकल चुकी है, यहाँ पे स्किप किया मैंने, यहाँ पे मोर एक्सेप्ट स्किप नेक्स्ट स्किप, यहाँ पे स्किप कर देता हूँ, अभी यहाँ पे स्किप दे देते हैं, यहाँ पे किया यूज नाउ, बस यही मेथड था। अभी मैं आपका मॉडल चेक करवा देता हूँ इसके, यहाँ से अगर किसी भाई को भी हेल्प चाहिए होगी ना तो मैं टेलीग्राम का लिंक दूंगा, आप उसमें ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है जी। ये रहा ये बड़ा मॉडल नंबर है इसका, ठीक है, बस मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।